भारत जिस तेजी से डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा, उसके बाद दुनिया कह रही कि भारत की तुलना पाकिस्तान से करना गलत है, और अगर भारत की तुलना करनी है तो चीन से करें। और ये बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका और दूसरी तरफ भारत लगातार एक के बाद एक मिसाइलों को बना रहा, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एक बार फिर से भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के बाद नौसेना ने कहा कि उसने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें कहा गया है कि मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्य हासिल कर लिए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में नौसेना ने टेस्ट फायरिंग की एक तस्वीर भी साझा की। इसमें लिखा है कि पूर्वी बेड़े के एक नौसेना विध्वंसक ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने अपनी सभी मिशन उद्देश्यों को हासिल किया। अब ये तो नौसेना ने क्या कहा वो था, लेकिन चलिए अब जानते हैं कितनी ताकतवर है ब्रह्मोस मिसाइल और क्यों चीन हो या आतंकियों को मदद करने वाला पाकिस्तान इसके नाम से ही कांपने लगते हैं। वैसे आज भारत इतना मजबूत है कि अगर पाकिस्तान ने बार बार अपनी नापाक हरकतें की तो भारत वक्त नहीं लगाएगा पाकिस्तान को सबक सिखाने में। अब अगर ये सवाल किया जाए कि सच में अगर भारत ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस दाग दी तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मोस की ताकत से रूबरू होना होगा। दरअसल ये एक ऐसा शस्त्र है जो जमीन, आसमान, जल, पाताल, कहीं से भी बन जाए दुश्मन का काल। और मिसाइल तकनीक की दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत अगर दुनिया मानती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल 3000 किलोग्राम वजनी एक परमाणु मिसाइल है। 300 से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, मतलब 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और अगर एक बार ये मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एयर लॉन्च वर्जन तैयार किया जा रहा। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी कि हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए पाकिस्तान जैसे दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। खैर, ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया। ये अपनी रेंज के साथ जहाज आधारित मिसाइल के रूप में नौसेना को काफी ताकत प्रदान करेगी, खासकर तब जब दुश्मन देश चीन की उपस्थिति हिंद महासागर में तेजी से बढ़ रही। हिंद महासागर में बढ़ती चीनी युद्धपोतों की संख्या के बीच भारत भी समुद्र में अपनी क्षमता को बढ़ा रहा। ऐसे में ये मिसाइल भारत के लिए और भी बड़ा मददगार साबित होगी। आपका क्या कुछ कहना है इस सफल परीक्षण पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।